बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। जेट प्रपल्सन इज द मोड ऑफ लोकोमोशन इन। जो जेट प्रपल्सन का जो मोड, लोकोमोशन का मोड है, वो किस कौन यूज करता है? ए स्टारफिश, बी डॉगफिश, सी जेलीफिश, डी कटलफिश। तो यहाँ जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जेट प्रोपल्शन। ये जो जेट प्रोपल्शन होता है, ये क्या होता है? ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है उस पर डिपेंड करता है। ये इसमें क्या होता है, द प्रोपल्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय इजेक्टिंग ए जेट ऑफ फ्लूड इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या है कि इसमें जो मूवमेंट होगा उसमें क्या होगा, फ्लूड को अपोजिट डायरेक्शन में इजेक्ट करेंगे और जो ऑब्जेक्ट है वो उस दूसरी डायरेक्शन में जो है चलेगी। तो इस तरह का जो लोकोमोशन होता है वो किस में होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। क्या होता है कि जो आपके स्क्विड, ऑक्टोपस या जिसको कटल सीप, या जिसको कि क्या बोला जाता है, कटल फिश भी बोला जाता है, उसमें इस टाइप का मूवमेंट, जो इस टाइप का जो लोकोमोशन होता है, इसमें क्या होता है, साइफन, एक्सटर्नल साइफन प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल साइफन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो ऑक्टोपस या जो कटल फिश है, ये मस्क्यूलर मेंटल कैविटी को वाटर से भर लेते हैं, मस्क्यूलर मेंटल कैविटी फिल विद वाटर। ठीक है, उसके बाद दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में, और उसको क्विकली एक्सपेल कर देते हैं, एक्सपेल द वॉटर आउट ऑफ द साइफन। मतलब वॉटर को दूसरी, जो हमने बताया जेट प्रपल्सन की, वो एक साइड तो चलता है, दूसरी साइड तो वो किसी फ्लूड को इजेक्ट कर देता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इसी तरह से करता है कि जो मस्कुलर मेंटल कैविटी में वाटर भरता रहता है और एक्सपेल कर देता है साइफन के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ये वाला जो लोकोमोशन होता है वो किस में होता है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में होता है, आपके स्क्विड और कटल फिश में मिलता है, जो कि किस में, किसके हैं ये, मोलस्क में आते हैं, फाइलम मोलस्क है इनका। और जो क्लास है वो किस, क्या चीज, क्लास कौन सी है, सिफेलोपोडा। तो अब हम अपना आंसर देख लेते हैं। ए स्टारफिश नहीं होगा, स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मेटा में आते हैं, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। डॉगफिश, डॉगफिश जो है वो कार्टिलेज फिश होती है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। जेलीफिश, जेलीफिश जो होती है वो सीलेंट्रेट्स में आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। कटलफिश यानी कि सिफेलोपोडा में ये आते हैं, तो सिफेलोपोडा के जो एनिमल्स हैं वो कौन सा जेट प्रोपल्शन मोड लोकोमोशन का यूज करते हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डी कटलफिश। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।